नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसी कंपनियों के बारे में दोस्तों, जिनका फ्यूचर जो है ब्राइट है, आने वाले समय में अच्छा खासा, सच में अच्छा खासा पैसा जो है ये दोनों कंपनी बना के दे सकती है। फर्स्ट की बात करें तो पहली जो कंपनी है दोस्तों, वो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, बिजनेस है। जो भी ऐप होती है मोबाइल में, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है दोस्तों, तो उसी का जो है, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का है। दूसरी की बात करें, दूसरी कंपनी जो है वो केमिकल का बिजनेस है, जो कि लिथियम आयन जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज होती है दोस्तों, उसका जो केमिकल बनता है लिथियम साल्ट और ब्रोमाइन, वो केमिकल बनाती है दोस्तों ये दूसरी कंपनी। तो ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यदि ये दोनों कंपनियों में हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं, और आने वाले समय में ये यदि कंपनियां जो है अच्छा खासा 40% की ग्रोथ दे देती है, 40% की CAGR के साथ, तो हमारा जो पैसा है 5,000 रुपये की SIP, वो देखते हैं दोस्तों कि कितना बन सकता है हमारा पैसा। तो मंथली SIP मान के चलिए कि 5,000 रुपये हर कंपनी में, दोनों कंपनियों में लगा कर चलें, और हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपये डाल देता हूँ। यदि रिटर्न की बात करें तो मान के चलें कि 45% का रिटर्न ये कंपनी मान के चलें कि दे देती है आने वाले समय में कंपाउंडिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो देखते हैं कि 5 सालों के बाद हमारा जो पैसा है 5,000 रुपये के SIP, वो देखते हैं कि कितना पैसा हमारा बन जाएगा 5 सालों के बाद। तो सिर्फ 5,000 की SIP से और 45% की यदि कंपाउंडिंग ये जो दोनों स्टॉक दे देते हैं, तो हमारा जो पैसा है 5 सालों के बाद बनेगा दोस्तों 11,00,000 रुपये। यदि हम इन्हीं स्टॉक को 5,000 की SIP के साथ ही 10 सालों के लिए होल्ड करके देखें, तो वो भी हमारा जो पैसा है वो देखते हैं कि कितना बनता है SIP के थ्रू। तो हमारा जो पैसा है दोस्तों सिर्फ 10 सालों में वो बन जाएगा 1,13,00,000 रुपये। करना सिर्फ ये है कि इसमें जो है 5,000 रुपये की SIP कंटिन्यू रखनी है, दोनों स्टॉक में 5,000 रुपये डालने हैं हर महीने, या आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो इनमें। यदि बात करें 45% की, ये जो दोनों कंपनियां कंपाउंडिंग दे सकती है आने वाले 10 सालों में, तो 10 सालों में आपका जो पैसा ग्रो करेगा वो बन जाएगा दोस्तों 5,000 रुपये। 5,000 रुपये डालने के बाद आपका जो पैसा है 10 सालों के बाद वो बनेगा 1,13,00,000 रुपये। यदि टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6,00,000 इसमें हमने जो है 5,000 रुपये करके इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे, जो कि 10 सालों तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेकर के चलता हूँ स्टॉक की तरफ, देखते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो पहले जो कंपनी मैंने बताया वो है दोस्तों नियोजन केमिकल, ठीक है। इनका जो बिजनेस है वो है दोस्तों ब्रोमाइन बेस्ड का, और दूसरा है लिथियम साल्ट का, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होगी लिथियम आयन बैटरी, उसमें जो इस लिथियम साल्ट जो केमिकल है वो यूज होगा दोस्तों, तो इसकी अच्छी खासी डिमांड रह सकती है मार्केट में। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है उसके बारे में देखेंगे, इससे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। तो आप देखोगे इसके जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 43% की कंपाउंडिंग के साथ ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कंपनी में क्या है, मतलब इसके फंडामेंटल जो रिजल्ट आते हैं, तो प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इसके जो सेल्स ग्रोथ है वो हर साल बढ़ती जा रही है दोस्तों। आप देखोगे 2019 में 239 करोड़ की, उसके बाद मार्च 2020 में 306 करोड़, उसके बाद 336 करोड़ का। यदि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 2019 में देखोगे तो 21 करोड़ का भी जो है टोटल प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 29 करोड़ का, उसके बाद 31 करोड़ का, जो कि बढ़ते हुए मैनर में है टोटली, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो कंपाउंडिंग है, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है तो कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। एक साल में इसने जो है 157% की कंपाउंडिंग दी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा होती है। तो लंबे समय में हम मान के चलें तो 40-45 की जो है स्टार्टिंग के 10 सालों में ये कंपनी, न्यू लिस्टेड कंपनी, दे देगी दोस्तों आउटपुट। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इसके पास अच्छे खासे हैं, 173 करोड़ का रिजर्व है। इसके मुकाबले जो है बोरोइंग, इसके ऊपर कर्ज की बात करें तो 270 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर जो है कर्ज भी है दोस्तों, ठीक है। आने वाले समय में आप इसमें देखिए रिजर्व जो है लगातार बढ़ते हुए मिलेंगे, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि इसकी बोरोइंग जो है जीरो हो जाएगी दोस्तों, कर्ज इसके ऊपर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो है रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। यदि होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 64% की होल्डिंग है, FII की 4% की, DII की 14% की, रिपब्लिक की होल्डिंग 16% की है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलें, उससे पहले मैं बता दूं
इस स्टॉक के अंदर जो है सिर्फ आज ही के दिन, ठीक है, 14% के आसपास की तेजी देखने को मिली है दोस्तों। एक ही दिन में 234 रुपये इसने बना करके दिए इस स्टॉक ने। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं, तो पहले मैं ये भी बता दूं कि इस स्टॉक का जिक्र जो है हमने पिछली वीडियो में भी किया है दोस्तों। अगली जो कंपनी है वो है एफल इंडिया, जो कि मोबाइल एप्स एडवर्टाइजमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है दोस्तों। इसका मैं बता दूं आपको कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। यदि बात करें इसके क्वार्टर की, तो क्वार्टर अच्छे आए थे, और लास्ट जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 50% की रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 2018 से 2021 की बात करें तो 28 करोड़ का 2018 में नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 49 करोड़ का, उसके बाद 66 करोड़ का, और 2021 की बात करें तो 135 करोड़ का इनका जो है नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो एक साल में 66% की कंपाउंडिंग ये कंपनी जो है दे रही है दोस्तों। बैलेंस शीट आप देखोगे तो अच्छा खासा इनके पास जो है रिजर्व में पैसा है, 1009 करोड़ का इनके पास सेविंग में पैसा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरे आप देखोगे तो इनके ऊपर कर्ज जो है 164 करोड़ का कर्ज भी है, जो कि रिजर्व के मुकाबले में काफ़ी कम है दोस्तों, ठीक है। अब मैं लिख करके चलता हूँ कि इसकी जो होल्डिंग है दोस्तों, तो होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 60% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। और यदि FII की बात करें तो 16% की होल्डिंग, DII की 6% की, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 17% की पब्लिक होल्डिंग भी इसके अंदर है दोस्तों। अब मैं बता दूं आज के दिन जो है इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिली है। सुबह की बात करें तो 12% तक ये जो स्टॉक है गया था, और यदि उसके बाद जैसे जैसे मार्केट जो है स्टेबल हुआ, उसके बाद 10.28% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। 122 रुपये का एकदम से प्रॉफिट इस स्टॉक ने बना करके दिया है एक दिन में आज, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जो बिजनेस है इनका, दोनों कंपनियां का जबरदस्त है। आने वाले समय में आप देखिएगा इतनी अच्छी खासी डिमांड। तो दोनों स्टॉक कैसे लगे जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।